हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। और ये है स्पेशल वीडियो लर्निंग वीडियोस की सीरीज के अंदर। आपको पता है कि ट्रेडिंग विद तरुण की सारी वीडियोस ऊपर से भी ऊपर लर्निंग से भरपूर होती हैं और सिर्फ आपके लिए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करें। ये सब इंफॉर्मेशन, ये सब जानकारी, ये सब नॉलेज तभी काम आएंगी जब इसको आप यूज़ करेंगे एक सही डायरेक्शन के अंदर। ये जो स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जिसके थंबनेल पर आपने ऑलरेडी इंफॉर्मेशन पढ़ ली होगी कि कैप्चर 1000 प्लस प्लस पॉइंट इन बैंक निफ्टी, बहुत अच्छे तरीके से काम करती है और स्पेशली स्विंग ट्रेडर्स के लिए वरदान की तरह साबित होती है। और स्विंग ट्रेडिंग करते हुए आप इसके अंदर बैंक निफ्टी में 1000, 2000, 3000 तक के पॉइंट्स को बड़े ही ईजी तरीके से कैप्चर कर सकते हैं विद वेरी मच स्मॉल स्टॉप लॉस। ये स्ट्रैटेजी क्या है, कैसे काम करती है, सबके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को कीजिए सब्सक्राइब, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और लाइक कीजिए वीडियो को, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पर कर दीजिए, ताकि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलती रहे। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल आ रहे होंगे कि सर, ये स्विंग ट्रेडिंग में ही काम करेगी, क्या हम इसको इंट्राडे में भी यूज़ कर पाएंगे? जी हाँ, आप इसको इंट्राडे में भी यूज़ कर सकते हो। इंट्राडे में भी इसकी एक्यूरेसी परसेंटेज बहुत अच्छी है, लेकिन उसको कैसे यूज़ करना है वो मैं वीडियो को एंड में बताऊँगा। तो इस वीडियो को आखिर तक देखना ना भूलें, और अगर आप अभी नहीं देख सकते हैं तो इस वीडियो को वॉच लेटर लिस्ट में डालिए, लाइक कीजिए, और शाम को जब कभी भी आपके पास टाइम हो, हैंड्स फ्री लगा के आराम से देखिएगा, क्योंकि ये है पैसे बनाने की बात। वो लोग जो इस वीडियो को देख सकते हैं, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, वो चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा कि आपको बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट दिखाई दे रहा है। जब भी हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो गाइस, हम डेली, वीकली, मंथली चार्ट्स पर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो जो भी मेरा भाई स्विंग ट्रेडिंग करना चाहता है, वीकली चार्ट से इसकी शुरुआत करनी है, और वहाँ पर आपको ट्रेडिंग की पोजीशन बनानी है, ताकि आप 1000, 1500, 2000, 3000, 4000 तक के पॉइंट्स को कैप्चर कर सकें। सबसे अच्छी बात यह है इस स्ट्रैटेजी की, विच इज़ मोर ऑफ एन ऑब्जर्वेशन, जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ, बिकॉज ना तो इस स्ट्रैटेजी के अंदर कोई इंडिकेटर इन्वॉल्व है, ना कोई ट्रेंड लाइन इन्वॉल्व है। ये कैंडलस्टिक बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, कैंडलस्टिक बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, जिसकी फॉर्मेशन के बाद आप मार्केट में होने वाले मूव को कैप्चर कर पाएंगे। चलिए आपको बताता हूँ वो क्या मूव है और किस तरीके से आप उसको कैप्चर कर सकते हैं। तो ये वीकली चार्ट पे आपको दिख रहा है, आपको क्या सेटअप चाहिए गाइस। जब भी मार्केट कोई एक कैंडल बनाती है, एग्जाम्पल के लिए हम एक बुलिश कैंडल की एग्जाम्पल लेते हैं, मार्केट ने एक बुलिश कैंडल फॉर्म की, उसके बाद में मार्केट ऑल ऑफ अ सडन एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन करती है कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन करती है। कैंडल का साइज कैसे भी हो सकता है, विक हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर मार्केट दोबारा से क्या करती है, एक और कैंडल स्टिक बनाती है। वैसे जैसे ये कैंडल स्टिक बनती है ना, इस हमें सचेत हो जाना है, क्योंकि मार्केट अगर इस कैंडल का हाई तोड़ती है तो जो नेक्स्ट कैंडल बनने वाली है वो कम से कम जितने पॉइंट की ये कैंडल है उतने ही पॉइंट की एक और कैंडल ऊपर की तरफ बनेगी। मतलब ये कैंडल उतनी ही बड़ी हो सकती है, उतना ही बड़ा आपको मोमेंटम दे सकती है इस कैंडल के अंदर। एग्जांपल आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये पूरा एग्जांपल आपको इस सेटअप से दिखाई दे रहा होगा, मैं आपको उसको बैक टेस्ट करके भी दिखाऊंगा। ये देखिए, पूरा बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा और आपको समझ में भी आएगा ये क्या है। यहाँ पर ये जो कैंडल बनी, ग्रीन कलर की कैंडल बनी, उसके बाद एक हॉल्ट कैंडल बनी, हमेशा एक कैंडल के बाद हॉल्ट कैंडल बनती है। और अगर मैं इसका साइज मेजर करने की कोशिश करूँ तो ये इस वाली कैंडल का साइज क्या है, ये देखिए, यहाँ से लेकर 1821 पॉइंट का पूरा आपका जो है कैंडल है। और यहाँ पर अगर आपको क्या करना है, एंट्री कहाँ बनती है, नेक्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर, जो भी इस कैंडल के हाई के ऊपर जैसे ही मार्केट ट्रेड करना शुरू करता है, ट्रेड करना शुरू करता है, क्लोजिंग की बात नहीं कर रहे हैं, सेम टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना शुरू करता है, मोस्ट लाइकली इट विल गो ऑन द हायर साइड। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं
इसका अगर मैं मेजर करने की कोशिश करूँ ये कितने पॉइंट की कैंडल है, ये देखो टोटल ये बेसिकली 2000 पॉइंट की कैंडल है, इट्स बेसिकली 2000 कैंडल पॉइंट। यहाँ पर जो 1800 पॉइंट थे वो तो आपको मिल गए, 100% टारगेट यहाँ पर आता हुआ, 1800 पॉइंट्स आने चाहिए थे इस कैंडल के अंदर, 2000 पॉइंट दिए, ज़्यादा ही आए। ठीक है, ये तो बुल साइड हो गया, बेयर साइड भी दे इक्वली ही काम करता है ऐसे ही तरीके से। ठीक है, ऐसे ही तरीके से काम करता है। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये कि रेड कैंडल बनी, उसके बाद एक ग्रीन हॉल्ट कैंडल बनी, ठीक है, बेरिश साइड पे हॉल्ट कैंडल बनी। आपको क्या करना है, ये कैंडल का साइज माप लीजिए 1374, अ कैंडल विच इज ब्रोकिंग अ हाई ऑफ दिस कैंडल, उसके ऊपर 1300 पॉइंट तो आपको आराम से मिल सकते हैं। तो यहाँ से अगर देखेंगे इस कैंडल के हाई के ऊपर से, इस कैंडल के हाई के ऊपर से 1400-1500 पॉइंट मिले हैं आराम से। ठीक है, कोई और एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ का एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, एक कैंडल बनी ग्रीन कलर की कैंडल, बुलिश कैंडल, उसके बाद में एक रेड कलर की हॉल्ट कैंडल बनी। ठीक है, सेम एग्जांपल जब हमने बात किया था, आपको क्या करना है, कैंडल का साइज मापना है, ग्रीन वाली कैंडल का कितना है विक को इंक्लूड करते हुए, विक को इंक्लूड करते हुए मैंने इसका साइज नापा 1821 आपका कैंडल साइज है। इस कैंडल का लो लगा देंगे, इसके नीचे जैसे ही मार्केट नीचे गई है देखो वहाँ क्या हमें मिला है, पैसा क्या नहीं मिला है, 1800 पॉइंट, 3-4000 पॉइंट गिर गया है, 1800 पॉइंट आराम से देखने को मिले, 18000 पॉइंट आराम से देखने को मिले। ठीक है, और ये आपको हर जगह देखो यहाँ पर बुलिश कैंडल चल रही है ये, लेकिन ये बड़ी कैंडल होगी, ये हॉल्ट कैंडल नहीं है, बड़ी कैंडल है तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, ये रेड कैंडल के बाद ये छोटी कैंडल बनी हॉल्ट कैंडल, इसका इसका हाई टूटने के बाद आपको पूरा पैसा मिला जो भी रेड कैंडल का साइज था, ऊपर की तरफ ऊपर की तरफ। और कहीं देखने की कोशिश करते हैं कहाँ इसने काम किया, हॉल्ट कैंडल कहाँ बनी है और हॉल्ट कैंडल के लो टूटने के बाद कहाँ। अच्छा, ये कैंडल हॉल्ट नहीं है क्योंकि ये बड़ी कैंडल है, इसके ऊपर क्लोज हुई है, ये हॉल्ट कैंडल नहीं है, करेक्ट है। अब यहाँ पर देखो ये एग्जांपल, ये एक रेड कलर की कैंडल बनी, ये हॉल्ट कैंडल बनी लेकिन इस हॉल्ट कैंडल का लो नहीं टूटा। ठीक है, हॉल्ट की कैंडल अगली दो कैंडल के अंदर टूट जाना चाहिए मैक्सिमम, एक या दो कैंडल, बट नेक्स्ट कैंडल का लो, नेक्स्ट कैंडल लो तोड़ती है तब, दो कैंडल नहीं, नेक्स्ट कैंडल अगर लो तोड़ती है तभी ये चीज जो है वो वैलिड होगी। सो मामी, ये हॉल्ट कैंडल बनी, नेक्स्ट कैंडल को इसका लो तोड़ना पड़ेगा तभी आपको नीचे की तरफ का एक मोमेंटम आता हुआ दिखाई देगा। इसने नहीं तोड़ा, छोड़ देंगे, ठीक है, छोड़ देंगे, ये हॉल्ट कैंडल नहीं है, ये एकदम ऊपर की तरफ गई है। ठीक है, यहाँ पर देखो ये रेड कलर की कैंडल बनी, ये ग्रीन कलर की छोटी सी हॉल्ट कैंडल बनी। ठीक है, हॉल्ट कैंडल का मतलब है जो छोटी सी कैंडल बनती है, इसका लो टूटने के बाद इतने तो छोटा सा साइज है, बहुत बड़ा फॉल आया यहाँ पर आपको आराम से देखने को मिला हॉल्ट कैंडल। ठीक है, और एग्जांपल देखने की कोशिश करते हैं, ये भी हॉल्ट कैंडल नहीं है, बोलेंगे टारगेट आया लेकिन ये हॉल्ट कैंडल नहीं है। ठीक है, हाँ, ये ग्रीन वाली हॉल्ट कैंडल मान सकते हो, ये रेड के बाद छोटी सी हॉल्ट कैंडल बनी लेकिन इसका हाई नहीं टूटा, इसका क्या टूटा, लो टूटने के बाद इस कैंडल के साइज का फॉल आया, बिल्कुल आया। ठीक है, ये हॉल्ट कैंडल नहीं है, ये हॉल्ट कैंडल है, छोटी सी कैंडल है। ठीक है, ग्रीन जोन के बाद एक हॉल्ट कैंडल बना, हॉल्ट कैंडल का लो टूटने के बाद ग्रीन कैंडल के साइज का, जो भी ग्रीन कैंडल का साइज है, क्या उतने का फॉल हमें देखने को मिला, एक बार चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट कैंडल कम से कम उतनी बड़ी तो बनेगी बनेगी, जो नेक्स्ट कैंडल है उसका साइज कितना होगा, ये 850 पॉइंट की कैंडल है, तो यहाँ पर देखेंगे क्या ये 850 से ज्यादा की कैंडल है, बिल्कुल 1100 पॉइंट की कैंडल है। मतलब नेक्स्ट कैंडल जो लो ब्रेक कर रही है उसका साइज 850 का तो हो गए, जैसे ये ट्रेड करना शुरू करती है नीचे, जितने भी पॉइंट्स बचे हैं, जितने हो गए वो छोड़ दीजिए, जितने बचे हैं एटलीस्ट उनके लिए आप ट्रेड कर सकते हो बड़े ही आराम से। ठीक है, ये हॉल्ट कैंडल बनी, नीचे की तरफ आया, इस कैंडल का जो साइज था ये कैंडल की साइज उससे ज्यादा ही है, उससे ज्यादा ही है, और हॉल्ट कैंडल कहाँ बनी, ये हॉल्ट कैंडल बनी, इसका जो साइज है आपको नीचे की तरफ मिला। मतलब हर जगह आपको ये चीज जो स्ट्रैटेजी है वो बिल्कुल काम करती हुई दिखाई देगी। ये देखिए, ये हॉल्ट कैंडल है, कलर ऑफ द कैंडल डजंट मैटर, बट ग्रीन के बाद में ये एक हॉल्ट कैंडल बनी बहुत छोटी सी, और इसका लो टूटने के बाद इस कैंडल के साइज का फॉल, मतलब इस कैंडल का साइज क्या है 537, तो इसका लो टूटने के बाद क्या 537 पॉइंट्स मिले आपको कि नहीं मिले, इस कैंडल के लो के बाद देखेंगे तो ज्यादा ही मिले भाई, ये इतने 1000 पॉइंट के पास आसपास में, तो आपको हमेशा ये होता हुआ दिखाई देगा। अब आप क्वेश्चन पूछोगे कि सर क्या ये निफ्टी के अंदर भी काम करेगा, नहीं, ये बैंक निफ्टी की ऑब्जर्वेशन है, आप अपने हिसाब से ऑब्जर्वेशन बना सकते हो। क्या ये छोटे टाइम फ्रेम में काम करेगा, बिल्कुल छोटे टाइम फ्रेम में भी काम करेगा, मैं 5 मिनट पे आ जाता हूँ, सीधा हर टाइम फ्रेम पे काम करता है, लेकिन अगर आपको स्विंग ट्रेड चाहिए तो डेली वीकली और मंथली कैंडल चार्ट के ऊपर इसको यूज करना। ठीक है,
यहाँ देखो इस कैंडल के बाद ये हॉल्ट बना, इसके बाद जब इसका लो टूटा है तो हमें ज़्यादा ही पैसे मिले, हमें ज़्यादा ही पैसे मिले हैं। हॉल्ट कैंडल जब भी बनती है उसका लो टूटने के बाद जो कैंडल बनती है उसका साइज एटलीस्ट प्रीवियस कैंडल जितना होता ही होता है। ये देखो ये ग्रीन कलर की कैंडल बनी, यहाँ पर आपकी रेड बनी हॉल्ट कैंडल, और इसका लो टूटने के बाद जो कैंडल का साइज है एटलीस्ट इतने साइज की कैंडल तो बनती ही बनती है ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन के हिसाब से, हॉल्ट कैंडल के। तो आपको क्या करना है, इट डजेंट मैटर कौन सा टाइम फ्रेम, 1 आवर, वीकली, मंथली, डेली, 1 आवर, 4 आवर, हॉल्ट कैंडल का इंतजार करना है। और हॉल्ट कैंडल क्या कर सकती है वो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया, एक एक रैली के बाद देखो हॉल्ट कैंडल बनी, हॉल्ट कैंडल का लो टूटने के बाद जितनी इससे प्रीवियस कैंडल इसका जो साइज था वो फॉल आपको एटलीस्ट उतना तो आपको कैप्चर करते हुए मिलेगा, लेकिन हाँ लो टूटने का आपको इंतजार करना है, क्लोज होने का इंतजार नहीं करना है। अगेन मैं बोल रहा हूँ इस कैंडल के क्लोज होने का इंतजार नहीं करना है ट्रेड करने का। तो 190 पॉइंट की कैंडल थी यहाँ पर, क्योंकि छोटा टाइम फ्रेम है तो छोटे पैसे, यहाँ पर देखो क्या ये इसने 190 पॉइंट की कैंडल बनाई या 190 पॉइंट का फॉल दिया, भाई यहाँ पर 200 पॉइंट की तो नेक्स्ट कैंडल थी, 190 पॉइंट तो ऑलरेडी आ गए। ये ऑब्जर्वेशन है जिसको आप ट्राई कर सकते हो। आई ऑलवेज रिकमेंड गाइस 7 to 21 days पेपर ट्रेड करके देखो, स्ट्रेटजीज के ऊपर असर पड़ता है, फायदा होता है, तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो और अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। ये ऑब्जर्वेशन है, बहुत अच्छे तरीके से काम करती है और बहुत अच्छा पैसा बना के देती है। तो डोंट फॉरगेट टू यूज़ इट, ट्राई इट। मंडे के दिन जब मार्केट खुलेगी तो मंडे के दिन जो मार्केट खुलेगी आप उसको जो है चेक कर सकते हो, देख सकते हो, ट्राई मार सकते हो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर और पैसा बना सकते हो। डेली के ऊपर भी एज इक्वली ही वैसे ही काम करता है, ठीक है। यहाँ पर भी देखो ये हॉल्ट कैंडल ही बनाई थी इसने, हॉल्ट कैंडल ही बनाई थी। तो अगर मैं यहाँ पर मेजर करूँ ना, ये देखो ये कितने पॉइंट की कैंडल है, यहाँ पर तेजी हुई थी 669, ऑलमोस्ट 670 पॉइंट्स की तेजी हुई थी। ये कैंडल टूटने के बाद 670 पॉइंट्स की तेजी हुई है कि नहीं हुई है चेक करो। ये देखो ये इसका हाई कहाँ टूटा, इसका हाई टूटा यहाँ पर, 670 पॉइंट की तेजी हुई है, 638 पॉइंट की तेजी हुई है। एक बार दोबारा मैं मेजर कर लेते हैं, सिक्स फोर्टी, ठीक है 640, और इसके हाई टूटने के बाद हो गए सर 649 के आसपास, 656 पॉइंट की तेजी हुई है इस कैंडल के हाई के ऊपर। तो जितना इसका कैंडल का साइज था उतना साइज का टारगेट इसका ऑलमोस्ट आ चुका है। हालांकि गिर सकती है यहाँ से, देखते हैं मार्केट मंडे के दिन क्या करेगी, ऑब्जर्वेशन की वीडियो में चेक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन गाइस ये सिनेरियो बनता है, ट्राई कीजिएगा, ऑफकोर्स ऑब्जर्वेशन लर्निंग। एंड याद रखिएगा लास्ट इन्फॉर्मेशन तो देने वाला हूँ, इन्फॉर्मेशन इज ओनली पोटेंशियल पावर। लोगों को लगता है इन्फॉर्मेशन पावर है, इन्फॉर्मेशन इज नॉट कंप्लीट पावर, इट्स जस्ट अ पोटेंशियल पावर। इन्फॉर्मेशन जब तक पावर नहीं बनती है जब तक आप उसको यूज करना नहीं सीख जाते। एक्शन इज द रियल पावर, एग्जीक्यूशन इज द रियल पावर। जब आप एक इन्फॉर्मेशन को यूटिलाइज कैसे करना है वो सीख जाते हो, सब कुछ इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपके हाथ में गन है लेकिन आपने गन उल्टी पकड़ी हुई और किसी को धमकी दे रहे हो कि भाई सब कुछ सच सच बता दे वरना मैं गोली चला दूंगा, तो वो हंस के बोलेगा बेटा चला दे, क्योंकि उसको पता है गली गन का जो मुंह है वो आपकी तरफ है। आपको पता ही नहीं है कि गन को पकड़ना कैसे और यूज़ कैसे करना है। हाथ में पावर है लेकिन आपको पता नहीं है यूज़ कैसे करना है। लेकिन अगर आप वही सिनेरियो चेंज हो जाए, आप गन का मुंह उसकी तरफ कर दो, उसके सर पे लगा दो और बोलो कि अब बताए इन्फॉर्मेशन, तो भाई असर कुछ अलग ही होगा। इट्स अ स्मॉल एग्जाम्पल ऑफ हाउ इन्फॉर्मेशन कैन बेसिकली बिकम अ पावर, ओनली एग्जीक्यूशन। इफ यू नो हाउ टू यूज इट राइट You can become successful। और इसी श्रृंखला में, इसी सीरीज में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुँचाने के लिए और एग्जीक्यूशन क्या है सही वो बताने के लिए हम ये वीडियो बनाते रहते हैं। इस वीडियो के ऊपर आपका सपोर्ट बहुत रिक्वायर्ड है गाइस, वो सपोर्ट और मोटिवेशन आप कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक करके और जितने व्यूज़ हैं उतने कमेंट्स करके, दोनों को मैच करके आप सपोर्ट कर सकते हैं जो आप कर ही देंगे। चलिए गाइस एक और वीडियो के अंदर मुलाकात होगी बहुत जल्दी, तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। I'll see you guys in the market. Have a wonderful day. Bye-bye.